बीजल देव, हमारे साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का समय आ गया है। महिष्मती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना है। बुलाओ मेरे दोनों पुत्रों को। प्रणाम राजमाता, आपने हमें याद किया। मेरा दूसरा पुत्र कहाँ है? देवा देवा, आज भी 10 के ऊपर 15 मिनट हो गया। एक काम करता हूँ, एडिटिंग में जाके एंट्री एडिट कर देता हूँ। मेरा बेटा वही बनेगा इस प्रोजेक्ट का लीड। माज़े पिताजी। विजल देव, पुराना बैकलॉग क्लियर करो पहले। मेरे दोनों पुत्रों में काम बराबर बांट दो। एक तेरा, दो तेरा, दो तेरा, तीन तेरा, तीन तेरा। देख, 50-50 हिसाब बराबर, नो चीटिंग। लेकिन राजमाता, ये सब काम करने के लिए हमें और रिसोर्स चाहिए। तुम्हें जो कुछ रिसोर्स चाहिए वो हमारे एचआर से मिल जाएगा। जाओ और एचआर को बोल देना, ये है मेरा वचन। मेरा वचन ही है शासन। आज तो बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़ेंगे। ऑल कैंडिडेट्स कम फॉर इंटरव्यू वन बाय वन। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बे खजूर, तू मुझे नहीं जानता? आपुन मजनू आया, मजनू एकदम वो सब का ठीक है बाबा, सीवी तो दिखाना पड़ेगा ना। ये देख मेरा सीवी। मजनू, तुम यहाँ इंजीनियर का इंटरव्यू देने आए हो या पेंटर का? अपनी ये फोटो मेरी विचारधारा बताता है। देख, इसमें इंक्लूजन है, टीम वर्क है, और देख सबसे जरूरी, दोनों कितने खुश है। देव मानस निकला रे, बोल कितना पगार लेगा? 50 पेटी। दिया रे बाबा दिया। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज कम इन। बताओ कटप्पा, कुछ अपने बारे में बताओ। महाराज, मेरे दादाजी और पिताजी इसी कंपनी में CDP ज्वाइन किए थे और UFO रिटायर हुए थे। मेरी भी यही इच्छा है। वाह कटप्पा वाह, तुम्हारे तो खून में ही BMS डॉक्यूमेंट्स है। बताओ सैलरी कितनी लोगे? महाराज 50,000। एक दिन का? एक महीने का लेकर बाबा। नहीं महाराज, पूरे साल का इंक्लूडिंग ओवर टाइम। ठीक है, जल्दी से इसका ऑफर लेटर बना देता हूँ। कहीं हाथ से निकल गया तो मजलू जैसा महंगा रिसोर्स लेना पड़ जाएगा। यस, नेक्स्ट कैंडिडेट उदय शेट्टी प्लीज कम इन। मिस्टर उदय, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा अच्छा, भगवान का दिया सब कुछ है, शोहरत है, इज्जत है, बस दौलत नहीं है, इसलिए आया हूँ मैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी सेल्स की स्किल बताओ। हाँ, मुझे सेल्स का बहुत एक्सपीरियंस है। पहले मैं आलू और प्याज बेचा करता था। आपके इतने बड़े बड़े प्लांट है, एसू ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या बेचता है रे बाबा। नेक्स्ट कैंडिडेट देवसेना प्लीज कम इन। तुम्हारे सीवी में काम तो बड़े बड़े किए हैं तुमने, हमें तुम्हारे जैसे कैंडिडेट्स की ही जरूरत है। प्लीज फिल अप दिस फॉर्म। फॉर्म में ये पासपोर्ट वाली डिटेल भी भरनी पड़ेगी? ये कंपल्सरी है क्या? वो तो इम्पोर्टेंट है, इन सारी डिटेल से ही ग्रीन कार्ड बनेगा। ग्रीन कार्ड? US का ग्रीन कार्ड तो मेरा ड्रीम है। इधर तो सबका ग्रीन कार्ड बनवाते हैं, ये देखो। क्या तो हायरिंग की है मैं?
मिशन है। इस साल का 25% डाइवर्सिटी का टारगेट पूरा। बाबू आज क्लाइंट मीटिंग है नए प्रोजेक्ट की, चलो चलते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल करके बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पहले से सुपारी है। ये जो नया प्रोजेक्ट है वो नियम से भी डबल कैपेसिटी का बनाना है। एक साल में इंजीनियरिंग खत्म करना ही पड़ेगा। ये एक साल तो बहुत कम टाइम रे, कम से कम 10 साल का टाइम तो देना रे बाबा। ठीक है, एक साल में डबल कैपेसिटी मैं दूंगा। जय महेश्वरी। फिर मिलते हैं प्रोजेक्ट के एंड में। अरे ये बिना भेजे की खोपड़ी, क्या कमिटमेंट करके आया है? काम कर करके लाश है भी जाएगी, लाश है यहाँ पे। भगवान का दिया सब कुछ है, प्रोजेक्ट है, रिसोर्स है, बस टाइम नहीं है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। महाराज कुछ जॉब स्पेक में डिस्क्रिपेंसी मिली है। नहीं देवसेना, जॉब स्पेक हमारे वेद पुराण है, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। इस दुविधा का एक ही उपाय है, हमें यूएफओ के पास जाना पड़ेगा। अरे ये यूएफओ क्या है? यूनिवर्सल फंक्शनल ओनर, एक यही है जो इस दुविधा से हमें बाहर निकाल सकते हैं। चिंता मत करो, हम आ गए हैं, अभी हम जिंदा है। वाल के जॉब स्पेसिफिकेशन में एमिशन क्लास और टॉर फैक्टर का ही है नहीं, तो हमें जॉब स्पेसिफिकेशन अपडेट करना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया तुम्हें इस कंपनी में? 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरा टोटल एक्सपीरियंस 15 साल का है। सुनो बच्चे, जो चल रहा है चलने दो। प्लांट्स पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। 700 से ज्यादा प्लांट ऑपरेशन में है, जाओ काम पे लग जाओ। मैं पहले ही बोला था यूएफओ को बुलाने का, खिलाने का, पिलाने का। प्रॉब्लम तो अपने को ही सॉल्व करनी पड़ेगी। सब लोग सब काम करा रहे बाबा। प्रोजेक्ट तो टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है, जब तक तुम मेरे साथ हो कटप्पा, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये क्या रेजिग्नेशन लेटर? महाराज ना मुझे मार्च में कुछ मिला, ना मुझे मिड टर्म मिला, मुझे तो मिडिल ईस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मैं तो चला। पूजे भाई मैं क्या बोलता हूँ, अब फोन भी काट लेते हैं। सुना है पड़ोसी पैकेज अच्छा दे रहा है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे बाबू ये टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए मृत्यु बन जाएगा। मृत्यु मृत्यु मृत्यु। महासेना क्या है मृत्यु? प्रोजेक्ट की टाइमलाइन से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। बिना किसी वेंडर डेटा आईएसओ नहीं निकालना है मृत्यु। बिना लोड डेटा के फाउंडेशन ड्राइंग नहीं निकालना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ ओवरटाइम करेगा कौन? हम करेंगे। मेरे साथ सैटरडे को काम करने आएगा कौन? ये मोटिवेशन के चक्कर में मेरा फ्राइडे का खंबा तो रह जाएगा। अरे ये गया प्रोजेक्ट का लास्ट डिलीवरेबल। राजमाता समय सारणी के अनुसार सारे डिलीवरेबल इश्यू हो गए हैं।
हाँ शिवगामी, महिष्मति को कितने भी चैलेंजिंग टाइमलाइन दो वो मिट कर ही लेती है। विजल देव, टीम को उनकी मेहनत का फल दिया जाए। कैसे कैसों को दिया है मुझे भी तो दिल करा दे।